नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS Mathematics क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर फर्स्ट का 16 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इनवर्स फंक्शंस की कुछ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनका अध्ययन करेंगे। और आज उनमें हम जो हमारी सबसे लास्ट जो भी प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन की, वो है कि यदि फलन एफ और जी दो ऐसे एक एक ही आच्छादक फलन है कि उनका संयुक्त फलन क्या हो, डिफाइन हो, तो जी ओ एफ का इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है भाई, आपको कैसे करना है आज के लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर आपको इस कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ के जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एफ इनवर्स ओ जी ओ इनवर्स के। दैट मीन्स एफ और जी के संयुक्त फलन का प्रतिलोम, एफ और जी के प्रतिलोम का क्या होता है, संयुक्त फलन होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी आपने कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो डेफिनेशन थी, जो भी आपकी और साथ साथ जो भी आपकी प्रॉपर्टीज थी, उन सब का उपयोग होगा आज के लेक्चर में। साथ ही साथ आपने अभी तक इनवर्स फंक्शंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन सबका भी उपयोग होगा। कहने मतलब है अब तक आपने इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ा है वो सभी डाटा इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं कि एफ और जी के संयुक्त फलन का प्रतिलोम एफ और जी के प्रतिलोम फलन के संयुक्त के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए आपको एफ और जी क्या दिए गए, दो एक एक आच्छादक फंक्शन दिए गए। ठीक है भाई, आपको एफ और जी क्या दिए गए, दो एक एक ही आच्छादक फंक्शन। ठीक है, लेकिन किस प्रकार के दिए गए हैं कि उनका कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ परिभाषित होना चाहिए। कहने मतलब है फंक्शन भी आपको ऐसे लिखनी है कि क्या अच्छा तक कि उनका कंपोजिट भी डिफाइन हो सके, मतलब उनका कंपोजिट फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप एफ और जी दो एक अच्छा तक फंक्शन लीजिए और इस टाइप के लेने हैं आपको कि कंपोजिट फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। ठीक है, तो देखिए दिया गया है एफ तथा जी दो एक एक ही आच्छादक फलन है। दिया गया है एफ तथा जी दो एक एक ही आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, दो एक एक ही आच्छादक फलन है जो जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, डेट इज अर्थात आप क्या कह सकते हो कि एफ फंक्शन है कहाँ से कहाँ, सेट ए से सेट बी में, और किस प्रकार से है कि एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ ए बराबर है बी के। ठीक है, एफ ऑफ ए किसके बराबर है, बी के, जहाँ पे ईच ए किसका एलिमेंट है, ईच ए एलिमेंट है सेट ए का, और स्मॉल बी किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार आप जी को भी डिफाइन कर सकते हो कहाँ से कहाँ, जी आपको डिफाइन करना होगा सेट बी से सेट सी में। ठीक भाई, जी को आप सेट बी से सेट सी में क्यों डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करना है। और कंपोजिट फंक्शन जब ही फाइंड आउट होगा जब एफ का रेंज और बी का डोमेन दोनों क्या हो, बराबर हो। कहने मतलब है एफ का रेंज सेट जी के डोमेन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए जी फ्रॉम बी टू सी सच दैट जी ऑफ बी बराबर सी, सच डैट जी ऑफ बी बराबर सी, जहाँ पे ईच स्मॉल बी के किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को, और स्मॉल सी किसको बिलोंग करेगा, सेट सी को। ठीक है, अब ये तो आपने दो फंक्शन देखे जो लिखते हैं कि ये इस प्रकार से डिफाइन हो रहे हैं। अब देखिए एफ और जी कैसे फंक्शन है, एक ही क्या आचार फंक्शन है। ठीक है, एफ और जी कैसे फंक्शन है, एक ही आचार फंक्शन है, और साथ ही साथ इनका संयुक्त फलन भी क्या हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए चूंकि फलन एफ तथा जी का संयुक्त फलन, चूंकि फलन एफ तथा जी का संयुक्त फलन जी ओ एफ परिभाषित हो सकता है। ठीक है, जी ओ एफ परिभाषित हो सकता है। ठीक भाई, चूंकि फलन एफ तथा जी का संयुक्त फलन जी ओ एफ परिभाषित हो सकता है, दैट इज जी ओ एफ
क्या कहां से कहां डिफाइन होगा, डेट इज जी ओ एफ डिफाइन होगा ई से सी में, ठीक भाई, डेट इज जी ओ एफ डिफाइन होगा सेट ए से सेट सी में। और किस प्रकार से होगा, जी ओ एफ ऑफ ए बराबर जी ओ एफ ऑफ ए बराबर जी ओ बी बराबर सी, ठीक है, जहां पर ईच स्मॉल ए किसको बिलोंग कर रहा है, जहां पर ईच स्मॉल ए सेट के को बिलोंग कर रहा है और ईच स्मॉल सी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट सी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि संयुक्त फलन का प्रतिलोम फलन किसके बराबर हो, एफ और जी के प्रतिलोम फलन के संयुक्त फलन के बराबर हो, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, तब हमें सिद्ध करना है कि जी ओ एफ का इनवर्स बराबर जी ओ एफ का इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है, जी ओ एफ का इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। आप देखिए ये आप कैसे सिद्ध करोगे, तो इसके सबसे पहले देखो, क्योंकि एफ और जी कैसे फंक्शन है, एक एक के अक्षदर फंक्शन है, ठीक है भाई। तो आप जानते हैं कि एक एक के अक्षदर फलन का संयुक्त फलन भी क्या होता है, एक एक के अक्षदर होता है, और साथ ही साथ एक एक के अक्षदर फलन का प्रतिलोम भी क्या होता है, एक एक के अक्षदर फलन का प्रतिलोम फलन भी एक एक के अक्षदर ही होता है, ठीक है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि दो एक एक आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी, दो एक एक आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक आच्छादक फलन होता है, ठीक है भाई। दो एक एक आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन क्या होता है, एक एक आच्छादक होता है, ठीक है, एक एक आच्छादक होता है, दैट इज संयुक्त फलन जी ओ एफ कैसा फंक्शन है, एक एक आच्छादक फलन है, ठीक भाई। कैसा फंक्शन होगा इस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग, संयुक्त फलन जी ओ एफ एक एक आच्छादक फलन है, ठीक है। अब देखो ये तो एक आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज आ गई, कहाँ पे, फंक्शन से कंपोजिशन से। अब आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, फंक्शन के इनवर्स की, ठीक है भाई, जिसमें भी कौन सा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक एक एक के अक्षर फलन का प्रतिलोम भी क्या होता है, एक एक के अक्षर होता है, ठीक है। तो देखिए चूंकि हम यह भी जानते हैं कि एक एक आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन एक एक आच्छादक होता है, अर्थात फलन एफ इनवर्स, सॉरी फलन एफ फलन जी, तब फलन जी ओ एफ के प्रतिलोम फलन भी क्या होंगे, एक एक के आच्छादक होंगे, ठीक है। अर्थात फलन एफ फलन जी तथा फलन जी ओ एफ के का प्रतिलोम फलन भी एक एक के आच्छादक होगा, ठीक है। देखो अर्थात फलन एफ फलन जी तथा प्रतिलोम फलन जी ओ एफ का प्रतिलोम
फलन बी एके की आच्छादक होगा, एके की आच्छादक होगा, ठीक है, एके की आच्छादक होगा जो जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, दैट इज दैट इज एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, दैट इज एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए सच डैट एफ इनवर्स बी बराबर ए, सच डैट एफ इनवर्स बी बराबर ए तथा जी इनवर्स फ्रॉम सी टू बी सच डैट जी इनवर्स सी बराबर बी, ठीक है, तथा जी ओ एफ का इनवर्स फ्रॉम सी टू ए सच डैट जी ओ एफ का कंप्लीट का इनवर्स ऑफ सी बराबर स्मॉल ए, ठीक है। अब देखो ये जो आपने फलन एफ लिया, फलन जी लिया, फलन जी ओ एफ लिया, तीनों क्या एक एक आच्छादक है, तो इनके प्रतिलोम फलन भी क्या होते हैं, एक एक आच्छादक होते हैं, जिनको आपने इस प्रकार से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप अगेन आपको क्या सिद्ध करना है, मतलब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जी ओ एफ का इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ इनवर्स को जी इनवर्स। अब आप कौन सा फंक्शन फाइंड आउट करोगे, आप कंपोजिशन फाइंड आउट करोगे, लेकिन तीन तीन फंक्शन का, फंक्शन एफ के इनवर्स का और फंक्शन जी के इनवर्स का, ठीक है। तो देखिए आपको एफ इनवर्स भी कैसा फंक्शन होगा, एक एक होगा, जी इनवर्स भी कैसा फंक्शन होगा, एक एक होगा, तो आप जानते हैं एफ इनवर्स और जी इनवर्स का, एफ इनवर्स और जी इनवर्स का रेंज सेट, ठीक है भाई, एफ इनवर्स और सॉरी एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब आपके जी इनवर्स का रेंज सेट किसके बराबर हो, जी इनवर्स का रेंज सेट बराबर हो एफ इनवर्स के डोमेन, ठीक है भाई। आपने जैसे जी ओ एफ डिफाइन किया, तो जी ओ एफ कब डिफाइन होगा, जब एफ का रेंज सेट किसके बराबर हो, जी के डोमेन के बराबर। तो इसी प्रकार आप ये कब डिफाइन करोगे, ये वाला फंक्शन ये तब डिफाइन करोगे जब जी इनवर्स का रेंज सेट एफ इनवर्स के डोमेन के बराबर हो। और आप देखते हो यहाँ पे कि जी इनवर्स का रेंज सेट क्या है, बी, और एफ इनवर्स का डोमेन क्या है, बी। कहने का मतलब है आप जो कंपोजिट फंक्शन एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद चूंकि फलन एफ इनवर्स तथा जी इनवर्स, एफ इनवर्स तथा जी इनवर्स एक एक के आच्छादक फलन है, क्योंकि फलन एफ इनवर्स तथा जी इनवर्स एक एक की आच्छादक फलन है, एक एक के आच्छादक फलन है, तब इनका संयुक्त फलन भी, तब इनका संयुक्त फलन भी एक एक के आच्छादक होगा, तब इनका संयुक्त फलन भी एक एक की आच्छादक होगा जो जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है। अब देखिए डेट इज आप ये लिख सकते हो कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा सेट सी से सेट ए में, ठीक है भाई, कहां से कहां डिफाइन होगा, ये सेट सी से सेट ए में डिफाइन होगा। किस प्रकार से होगा वो भी देख लीजिए आप, आपको दोनों फंक्शंस को इक्वल सिद्ध करना है, दोनों फंक्शंस को आपको इक्वल सिद्ध करना है, तो क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन कि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, सेकंड दोनों का रेंज सेट सेम होना चाहिए, और थर्ड दोनों के अंदर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेजेस क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सी, और रेंज क्या है, ए, ठीक है। इसी प्रकार इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सी, रेंज क्या है, ए, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी भाई, आपको दोनों को क्या सिद्ध करना है, इक्वल फंक्शन सिद्ध करना है, ठीक है, दोनों को क्या करना है,
इक्वल फंक्शन से करना है। ठीक है, तो इक्वल फंक्शन कब होगी, दोनों फंक्शन जियो एफ का इनवर्स और एफ इनवर्स जी इनवर्स, जब जबकि दोनों के डोमेन सेम हो, दोनों के रेंज सेट सेम हो और दोनों के अंदर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई है कि डोमेन सेम है दोनों का, कि उसके बाद दोनों का रेंज भी सेम है। अब थर्ड कंडीशन क्या करनी है आपको, दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेजेस निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे चूंकि हमें दोनों फलनों जी ऑफ एफ का इनवर्स तथा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, क्योंकि हमें दोनों फलनों जी ओ एफ का इनवर्स तथा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को समान फलन सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों क्या सिद्ध करना है, समान फलन सिद्ध करना है। ठीक है, दैट इज आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जी ओ एफ का इनवर्स को किसके बराबर लिखना है, आप सिद्ध करना है एफ इनवर्स को जी इनवर्स के बराबर। ठीक है, इसके तीन कंडीशन देखो, तीन कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर देते हैं। चूंकि दोनों फलनों का प्रांत वह सह प्रांत। फंक्शन कैसा है, आपके पास फंक्शन ऑन टू दिया गया है, तो फंक्शन ऑन टू है तो मतलब उसका सह प्रांत और परिसर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि फलन का प्रांत और सह प्रांत या फिर परिसर दोनों समान है। ठीक है भाई, दोनों समान है। ठीक है, अब सिर्फ एक कंडीशन सिद्ध करनी है कि दोनों फंक्शन के अंदर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, इमेज सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए माना स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, माना स्मॉल या फिर आप कह सकते हो माना स्मॉल सी समुच्चय सी का कोई स्वेच्छ अवयव, समुच्चय सी का कोई स्वेच्छ अवयव है। ठीक भाई, कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज आप क्या कह सकते हो, ईच स्मॉल सी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल सी को। ठीक है, तो देखिए अब हम जानते हैं कि जी ओ एफ का इनवर्स ऑफ स्मॉल सी बराबर क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, तथा अब आपको क्या ज्ञात करना है, तथा हमें अवयव सी की फलन एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स में प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक भाई, दोनों फलनों में क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक भाई, आप देखो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, चूंकि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ सी, ठीक है, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी। ठीक है, जी इनवर्स सी क्या है, बी। ठीक है, जी इनवर्स सी क्या है, बी, तो आप इसको लिख सकते हो एफ इनवर्स बी, और एफ इनवर्स बी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ईच स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ सी बराबर स्मॉल है। ठीक है, आप देखो दोनों फलनों के अंदर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेजेस क्या सेम आ रही है, इस फलन के अंदर भी और इस फलन के अंदर भी, दैट मीन दोनों फंक्शन क्या समान है। तो आप लिख सकते हो आता है जी ओ एफ का इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो ये आपका जो लास्ट प्रॉपर्टी थी इनवर्स फंक्शन की वो कंप्लीट होती हुई। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके एग्जांपल्स हैं इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड जो देख लिए। ठीक है भाई, और उसमें भी आपका सबसे फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, कौन सा है आपका एग्जांपल नंबर 7।
एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एक फंक्शन दिया गया है आपको, आपको एक फंक्शन दिया गया है, यदि यदि f फ्रॉम R टू R कॉमा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 9, ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया गया है जो कि डिफाइन है सेट R से R में, और किस प्रकार से कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 9, ठीक है। तो देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का मान। तो f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करें इनका मान, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है f, ठीक है, जो डिफाइन है वास्तविक संख्या का समुच्चय R से वास्तविक संख्या का समुच्चय R का, ठीक है, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है f x जो डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है, ये किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इस फलन के अंदर कुछ नहीं करना, आपको इस फलन के अंदर ना तो आपको ये चेक करना है कि ये की है ना, आपको ये करना अच्छा लगे, और अगर आप ये भी नहीं करना कि इसके इनवर्स फंक्शन है, आपको सीधे सीधे डायरेक्टली कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ इनवर्स फंक्शन के अंदर एलिमेंट 8 की और एलिमेंट 9 की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालनी है, आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो लिखिए, ठीक है, दिया गया है एफ फ्रॉम आर टू आर एक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है भाई, दैट इज एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 9, ठीक है। अब ये तो आपको इन्फॉर्मेशन देगी, अब आपको क्या याद करना है, f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 की वैल्यू, ठीक है, तब हमें याद करना है f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 की वैल्यू, ठीक है, तब हमें f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 का मान याद करना है, ठीक है, मान याद करना है, ठीक है। देखिए अब आप मान लीजिए कि माना f इनवर्स 8 को आपने मान लिया कि माना f इनवर्स 8 क्या है, f इनवर्स 8 कोई ना कोई एलिमेंट है जो कि क्या है, डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा f, ठीक है, मतलब और वो भी किसके डोमेन का, वो डोमेन का होगा f के डोमेन का, ठीक है, देखो f डिफाइन R से R में है, ठीक है, तो आप इस R से कोई भी एलिमेंट हो x उसकी इमेज आपको सेट मिलेगी, लेकिन जब इनवर्स फंक्शन निकालोगे तो आप देखते हो कि इनवर्स फंक्शन निकालोगे वो भी R से R में डिफाइन होगा, तब आपको क्या करना है, इस सेट R का कोई भी एलिमेंट लेना है, मतलब रेंज का कोई भी एलिमेंट लेना है, और उस एलिमेंट की आपको क्या इमेज क्या मिलेगी, अगेन x मिलेगी किसके अंदर, सेट R के अंदर, लेकिन आपको रेंज सेट का कौन सा एलिमेंट देगा, 8, तो आप मान लीजिए कि f इनवर्स 8 की वैल्यू क्या है, f इनवर्स 8 की वैल्यू है x, ठीक है, f इनवर्स 8 की वैल्यू कितनी है x, f इनवर्स 8 की वैल्यू x है, तो आप क्या कर सकते हो कि f ऑफ x बराबर कितना है 8, मतलब x की f इमेज कितनी आ रही 8, लेकिन आपको पता है कि x की f इमेज कितनी होती है, x की f इमेज होती है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 8, ठीक है। आप देखो यहां से आप देखते हो कि द्विघात समीकरण आ रहे हैं, ठीक है, एक द्विघात समीकरण आ रहे हैं, द्विघात समीकरण आ रही है, तो आप देखते हो द्विघात समीकरण कौन सी है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, और इस द्विघात समीकरण में आपको क्या फाइंड आउट करना है, रूट फाइंड आउट करना है, इस द्विघात समीकरण में रूट आप ऑब्जर्वेशन मेथड से देखते हो तो यहाँ पे आपको कोई रूट नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन मेथड से आप चेक करना चाहो तो आप देखते हो कि इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट ऐसा नहीं है। आप रूट किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, एक और फॉर्मूला रूट फाइंड आउट करने का, कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई कीजिए और यहाँ पर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो रूट देखिए क्या आएंगे, माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बटा 2 इंटू ए, तो देखो x का मान हो जाएगा माइनस फाइव प्लस माइनस
अंडर रूट 25 माइनस 4 बटा 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बटा 2, ठीक है, जो कि कैसा नंबर है, जो कि रियल नंबर है, मतलब है इस आई 8 का जो वैल्यू आएगी, इस 8 की जो वैल्यू आएगी, एफ इनवर्स 8 की वैल्यू वो किसके बराबर आएगी, वो इसके बराबर आएगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करना आपको, अगेन एफ इनवर्स 9 की वैल्यू याद करनी, ठीक है। तो देखो माना एफ इनवर्स 9 बराबर के आपने क्या मान लिया, गई एक्स मान लिया, तो आप जानते हैं एफ इनवर्स 9 बराबर एक्स है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9, और एफ एक्स की वैल्यू आपको खुद को पता है कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 9, इस 9 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या शेष बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ तो शेष क्या बचेगा, x प्लस 5। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 5, ठीक है। x की एक वैल्यू तो आ रही है 0, और x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 5 आ रही है। तो मतलब आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि f इनवर्स माइनस 9 किसके बराबर है, f इनवर्स माइनस 9 है 0 और माइनस 5 के बराबर, ठीक है, इन दोनों के बराबर है। या फिर आप ये कह सकते हो कि f इनवर्स 9 बराबर है माइनस 5 और कॉमा 0, ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट होता हुआ, ठीक। आप देखो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल आप अगेन सोल्व कर लेना खुद, नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 9 आपको सोल्व करके बता देते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल 9, ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, यदि एफ फ्रॉम आर टू आर कॉमा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि f a के क्या अच्छा लगा है, तथा f का प्रतिलोम फलन क्या है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। आपको क्या सिद्ध करना है कि f a के की आच्छादक फलन है, f a के की आच्छादक फलन है, तथा f का प्रतिलोम फलन भी क्या करना, ज्ञात करना है, तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात होगा प्रतिलोम फलन, सबसे पहले आप सिद्ध करो फंक्शन को a के क्या आचरण, तो a के क्या आचरण सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a के लिए आपको करना क्या है, आपको डोमेन के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं, उनके f इमेजेस को क्या शो करना है, उनके f इमेजेस को शो करना है कि वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और इसी प्रकार आच्छादक के लिए क्या शो करना पड़ा है, आच्छादक के लिए आप डोमेन से आप रेंज से कोई भी एलिमेंट लीजिए और उसकी इनवर्स इमेज किस में शो कर दीजिए, उसकी इनवर्स इमेज आप डोमेन R में शो कर दीजिए, ठीक है भाई। रेंज से कोई भी एलिमेंट लीजिए आर्बिट्री और उसकी इमेज को किस में शो कर दीजिए, इनवर्स इमेज को शो कर दीजिए इसमें डोमेन में। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको क्या सिद्ध करना है कि रेंज का कोई प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, एफ इमेज के बराबर है, ठीक है। तो देखो कैसे सिद्ध करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो लिखिए। सबसे पहले आपको दिया गया है f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r एक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है भाई। f कैसा फलन है, f एक फलन जो कि कहां से कहां डिफाइन है, r से r में, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, दैट इज f ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब आपको क्या शो करना है, सबसे पहले a के क्या आचरण, तो देखिए तब हमें सिद्ध करना है कि f a के आचरण फलन है, तब हमें
सिद्ध करना है कि एफ टी के की आच्छादक फलन है। ठीक भाई, एफ ए के की आच्छादक फलन है। तो देखो, सिंस एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, ए के लिए करना क्या है आपको, ए के लिए आपको डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं और उनकी एफ इमेजेस को क्या शो करना है, डिफरेंट शो करना। ठीक है, तो आपने दो डिफरेंट एलिमेंट मान लिया एक्स वन और एक्स टू। अब एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू है तो आप क्या कह सकते हो, एक्स वन क्यूब के डज नॉट इक्वल टू एक्स टू क्यूब के। ठीक है, अब दोनों डिफरेंट है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में टू ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों में क्या ऐड कर दीजिए आप, टू। तो टू ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, टू ऐड करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, ये आपको फंक्शन एफ के अंदर एक्स वन की इमेज के बराबर है। ये किसके बराबर है, फंक्शन एफ के अंदर एक्स वन की इमेज के बराबर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वन, इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स टू। और आप देखते हो कि दोनों की एफ इमेज क्या है, बराबर नहीं है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि फलन एफ कैसा फंक्शन है, फलन एफ ए के की फलन है। ठीक भाई, कैसा फंक्शन है, फलन एफ ए के की फलन है। अतः फलन एफ ए के की फलन है। ठीक भाई, कैसा फलन है, ए के की फलन है। तो ये इसका एक पार्ट सिद्ध हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सिद्ध करना आपको अच्छा था, और उसके बाद यह फाइंड आउट करना आपको इसका इनवर्स फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेक्चर नंबर 16 के अंदर। ठीक है, तो अब कि आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होते हुए साथ साथ जो भी एग्जांपल्स है वो आप खुद कर लेना और एक्सेल में आपको करवा दूंगा। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।